रैम वॉक देखी है कभी? रैम वॉक, अब मैं रैम वॉक दिखाता हूँ डॉग्स की। ये देखो आजा बेटा आजा। ये देखो ये ऐसे खड़ी है, वो इधर भागी इधर लाओ। ये देखो ये रैम वॉक, ये है ब्रीड अफगान हाउंड, और दोस्तों वो है रफ कोली। आज इसका हम दोनों बताएंगे। हरसे भैया ये बताओ ये कहाँ की ब्रीड है? जैसे अफगान है तो अफगान की होगी नेचुरली। ब्रीड जो ओरिजिनेट हुई है अफगानिस्तान से हुई है, बट जो आगे आगे ट्रांसफॉर्म होती गई वो इजिप्ट वगैरह ये सारी कंट्रीज में ये चली है। ये भी वर्ल्ड की काफ़ी पुरानी ब्रीड्स में से आती है, 1400-1500 साल पुरानी है ये। इनका मतलब जैसे बॉडी टाइप है, ये एरोडायनामिक्स इनके जो है बॉडी के, वो बहुत ही स्पीड से भागने के लिए, हंटिंग के लिए, वो सब चीज़ के लिए। और इनका मतलब जो जैसे बाल वगैरह काफ़ी है इनके, तो लोग सोचते होंगे कि गर्मी लगती है या कुछ, और वैसा नहीं है। ये एक्सट्रीम लेवल की गर्मी और एक्सट्रीम लेवल का कोल्ड वेदर दोनों बड़े आराम से झेल सकते हैं। इनकी बॉडी की मतलब बिल्ट ऐसा है। तो भैया ये कौन सी ब्रीड है? ये तो बड़ी सी है जी। इसका ये कहाँ की ब्रीड है? स्विट्जरलैंड टाइपून कंट्रीज में यूज होती है एज अ शीप हर्टिंग डॉग। मतलब ये अकेला ही बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, उसके ऊपर ऊपर उनकी पीठ के ऊपर छलांग लगा के आगे चलेगा पीछे चलेगा, तो उनको हर्ड करा के अकेले ही ये मतलब चरा के ले आते हैं। और भैया इसकी खासियत क्या है? ये खाने खुने में ठीक है वैसे? ये अफगान बहुत दे एंजॉय द फूड, मतलब फूड बहुत इनको पसंद है अपने खाने का। इनका फिजीक ही ऐसा है, मोटे वगैरह नहीं होते कभी भी, चाहे जितना मर्जी फूड खाते हैं। और दोस्तों ये आपको कैसी लग रही है? मतलब रैम वॉक जैसे बड़े प्यारे आराम से कुत्ते जो चलते हैं ना, रैम वॉक में मजा आ जाता है इनको देखने का। इनका एक बेनिफिट है, मतलब इनके जैसे बाल काफी ज्यादा होते हैं, बट इनके ब्रेक नहीं होते, बाल टूटते नहीं है इनके। अच्छा, टूटते नहीं है बाल इनके? इनके जैसे मतलब ह्यूमन बींग के सर पे हेयर होते हैं वैसे ही इनके मतलब बाल होते हैं। ये लंबा जाता है, घना नहीं जाता, और इसकी शेडिंग वगैरह नहीं होती। बहुत प्यारी है कुछ कहती है, मतलब ये घर के आप गार्ड वगैरह करती है? अफगान में किस चीज की यूज होता है ये? अफगान ऐसे कोई बेसिक पर्पस की ब्रीड नहीं है, बट ये गार्डिंग, माइल्ड गार्डिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली गार्ड नहीं करते, बट गार्डिंग थोड़ी बहुत करते हैं। और दोस्तों जब से ये खोले हैं ना, पर चक्कर लगा रहे हैं, एक जगह बैठते भी नहीं, हाथ भी नहीं आते। और आपको रफ कोली कैसा लगा और आपको अफगान को हाउंड कैसा लगता है? ये बड़े कम है ना ब्रीड? ये बहुत कम है ये इंडिया में हमें, क्योंकि इनका ना ब्रीडिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी अलग है। इनको पूरे साल में 12 महीने में सिर्फ एक बार हीट आती है, तो ये कई ब्रीडर्स के लिए इकोनॉमिकल नहीं है ब्रीड करना इसको, तो मतलब। बट इनका लिटर काउंट अच्छा होता है, 10-11 इतने पपीज होते हैं इनके, तो मतलब इनका सारा सिस्टम जो है डिफरेंट है। ये रेयर है और मतलब डिफरेंट चीज़ है। पैरों पर भी बाल हैं यार, खूबसूरती, वैसे मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे खूबसूरत कुत्ता होगा। हाँ जी हाँ जी, इसको किंग ऑफ डॉग्स बोलते हैं जी, सबसे मेजेस्टिक रॉयल ब्रीड है ये, अभी एज इट इज आपको दिखाया है। बाकी इनकी ना एज अराउंड 1.5 ईयर्स, 1.5-2 साल इतनी है, तो इनके बाल जो पूरे मतलब फ्लोर तक टच होते हैं वो 5-6 साल की उम्र तक जाके बढ़ते हैं। अच्छा, जो हम देखते हैं लंबे लंबे बाल, वो 5-6 साल की? हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है उसके बाल डे वन में इतने लंबे नहीं होते सर के, उसके बढ़ते 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 5-6 साल पे जाके बढ़ते हैं, वो ऐसे होते हैं। तो रफ कोली के भी बाल काटे हैं या इतने ही होते हैं? किसी को कुछ कहता नहीं, सबके साथ खेलता रहता है। और ये देखिए हेमा, नाम हेमा रखा हुआ है उसका, ब्लैकी है ये, ब्लैकी है। और वो जो पीछे छुपी वो मैगी है, मैगी। चलो दोस्तों, सनराइज का नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको अफगान हाउंड कैसे लगे, रफ कोली कैसे लगे, मुझे बता देना। मेरा तो चलो पहली बार ही है ये वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।